हाँ तो मेरे भाइयों की हालचाल, आई विश आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों का रैंक पुश भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो फाइनली गाइस हमें आज मॉर्निंग में कॉन्करर मिल चुका है, बिकॉज कल रात गाइस मैंने थोड़ा नाइट तक खेला था और अपने जो रैंक है वो अराउंड 350 के अराउंड तक छोड़ दिया। ये मैच के बाद मैंने गेम प्ले खेलना छोड़ दिया था, बिकॉज गाइस मैंने चाहता था कि लाइक मैं थोड़ा सा खेलूँ और गलती से अगर मेरे मैच में हैकर आता है तो ऑब्वियसली मुझे एक माइनस देगा और उस माइनस की वजह से गाइस अगर मेरा रैंक वापस से 500 के अबव गया तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो मैंने गाइस ये वाले मैच के बाद लाइक मेरी रैंक 350 हो चुकी थी और मैं अपने जो कॉन्करर में हूँ टॉप 500 में उसमें एंटर भी कर चुका था और यहाँ पर मैं बिल्कुल रिस्क भी नहीं लेता और अपने आप आराम से सो जाता हूँ और बस वेट करता हूँ मॉर्निंग का कि लाइक मुझे कॉन्करर का फ्रेम मिल जाए। और ऑब्वियसली मुझे तो मिल ही गया। अब दूसरी बात करते गाइस जिन जिन का अब तक कॉन्करर नहीं हुआ है तो गाइस मैं आपको बता दूं कि लाइक आपको इस टाइम पे लाइक आपको करंट या फिर आपको ये वीक अगर पकड़ा जाए तो आपको एस के 6 स्टार, लाइक मुझे तो अभी एस 6 स्टार प्लस 30 पॉइंट पे कॉन्करर मिला, लाइक मेरा रैंक 350 है। आप अगर थोड़ा सा और वेट करोगे लाइक ये वीक तक तो आपको एस 6 स्टार और 70-80 पॉइंट तक आपको कॉन्कर करना होगा, मतलब आपको आपकी पॉइंट बढ़ाना होगा। तो जब ट्राई करो गाइस फटाफट कर लो, बिकॉज बीजेएमआई में बहुत जल्दी आने वाला है तो आप लोग को फिर उसमें शिफ्ट होना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं ये वाले गेम प्ले की, मतलब ये गेम के बाद गाइस मुझे कॉन्करर मिल गया था। अब यहाँ पर गाइस मैंने वहाँ पर एक डो मार लिया पेट्रोल पंप पे और उस डो को मारने के बाद गाइस हम ये वाले रिच पे आते हैं, बिकॉज वहाँ पर गाइस पेट्रोल पंप पे हम पे जोन था नहीं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर रोकता हूँ और पीछे एक यूएसडी तो उसे लेकर यहाँ पर मैं थोड़ा सा कवर बना देता हूँ अपने आपको लेफ्ट से, ताकि मुझे लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा कवर मिल सके कि इतने में यहाँ से यूएस गाइस क्रॉस करती है तो उससे पहले मैं थोड़ा सा फायर लेता हूँ। बट इसे गाइस मैं हल्का सा एक गोली डैमेज दे पाता हूँ और ये इतने में यूएस कवर में चली जाती है लाइक लेफ्ट साइड में अपर साइड। अब यहाँ पर इतने में मुझे यहाँ पर एक और जो न्यू व्हीकल है वो दिखती हुई दिखती है, बट वहाँ पर मुझे कोई बंदा स्पॉट होता नहीं है। कितने में ये यूएस यहाँ पर वापस आती है और यहाँ पर जो दो बंदे गाइस स्कैम कर रहे थे तो उन दो डुओ की और इन डुओ की फाइट हो जाती है। तो यहाँ पर हम थोड़े सा किल चोरी उठाते हैं और यहाँ पर फिलहाल एक नॉक बंदे को हम फिनिश करके और सब किल हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट बंदा बचा था गाइस जो मुझे गाड़ी के राइट साइड में सोता हुआ स्पॉट हो जाता है, तो उसे भी हम एकदम इजीली मार देंगे। और उसे मारने का गाइस जो नेक्स्ट जोन था वो वापस हमसे थोड़ा दूर कट चुका था, तो यहाँ पर हम थोड़ा से बंदे ने स्पॉट कर रहे थे कि इतने में मेरी टीममेट कॉल देती है कि हमने लास्ट टाइम जहाँ पर बंदों को मारा था वहाँ पर एक और डू आ चुका है, तो फिलहाल के लिए मैं वहीं पर ध्यान देता हूँ और अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि तुम अपने व्हीकल पर स्मोक करो और जैसी जोन तुमको स्टार्ट होती मतलब तुमको जब टच होगा तो तुम लेके आना व्हीकल मेरे पास, बिकॉज अगर हमने फर्स्ट मोमेंट दिया अगर यहाँ से तो वो बंदे ऑब्वियसली हम पे स्प्रे लेंगे और हमारा गेम खराब हो सकता है। तो हम ट्राई करेंगे लाइक पहले उन बंदों को ओपन में आने देंगे उसके बाद ही हम मारेंगे, मतलब यहाँ से जोन में एंटर करेंगे। अब यहाँ पर गाइस मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और वेट करता हूँ कि लाइक ये बंदे थोड़ी गलती करे कि इतने में यहाँ पर एक बंदा ओपन में आ जाता है तो इसे मैं एकदम इजीली नॉक दूंगा और इतने मेरे टीममेट जो है गाइस वो जो व्हीकल है उससे मेरे पास लेके आ जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ लाइक जैसी व्हीकल आएगी तो मैं बैठ जाऊँगा और इतने में मैं यहाँ पर ड्रिंक वगैरह भी मार लेता हूँ और फटक से जो हमारी व्हीकल है उसमें मैं गेट इन कर लेता हूँ और दौर में हम जाने का ट्राई करते हैं। अब जो नेक्स्ट जोन था गाइस वो हमसे थोड़ा सा ही दूर कटा था, बट यहाँ पर मेरे टीममेट ने एक छोटी सी गलती कर दी थी लाइक उससे जो व्हीकल है वो थोड़ी सी ओपन में नहीं थी, सामने से देखा जाए तो वो बंदे हमें मार नहीं सकते थे बिकॉज हमारे पास कवर था, बट हमारे जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पर एक यूएस थी तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई बंदा तो कैंप कर ही रहा होगा, अगर उसने हमें स्पॉट किया तो हमें ईजिली मार सकता हो। तो यहाँ पर मेरे पास स्मोक थे तो स्मोक से गाइस मैं सामने वालों का जो व्यू है वो ब्लॉक कर देता हूँ अपनी साइड पे ताकि वो बंदे हमें प्रॉपर स्पॉट ना कर सके। और यहाँ पर गाइस मैंने जोन का डैमेज लेके आया था तो यहाँ से मैं बैंडेज मारने के बाद अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तुम गाड़ी में बैठो और हमें थोड़ी सी अच्छी पोजिशन पर जाते हैं। लाइक ये वाला जो रिस्क था गाइस ये फिलहाल के लिए जोन में था, मतलब जोन के अंदर था और यहाँ पर एक हल्का सा छोटा सा रिच भी था, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हमें एक अच्छा सा पोजिशन मिल जाता है और हम अपने आप को सेव भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर गाइस हमें छोड़ के लास्ट 8 बंदे थे जो लेफ्ट साइड में ऊपर और 2 स्क्वाड आई थिंक हमारे जो राइट साइड में ट्रिपल हो रही है उसमें थे। अब यहाँ पर गाइस उन दोनों का फाइट चल रहा था तो मेरी टीममेट वहाँ पर थोड़ा सा स्प्रे वगैरह लेती है, बट मैं उसे मना करता हूँ बिकॉज यार देखो जब जोन श्रिंक होता है ना गाइस तब फाइट कभी नहीं लेना चाहिए, अगर आप गलती से नॉक होते हो तो आपको रिवाइव मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज एंड के जोन में गाइस आप हल्का से भी जोन का डैमेज नहीं ले सकते बिकॉज आपको पता है कि लाइक एंड जोन में बहुत गंदा डैमेज पड़ता है और आप गलती से नॉक हो आपको अगर रिवाइव भी मिलता है ना तो आप लिटरली इतने इतने कम एचपी बचते हो कि लाइक 1 सेकेंड में आप वापस से नॉक हो जाओगे।
तो यहाँ पर गाइस मैं फटक से अपने व्हीकल पे स्मोक करता हूँ और जोन में एंटर करने का ट्राई करता हूँ कि इतने में जो सामने वाली यूएस थी वो भी निकल जाती है। तो हमें आइडिया आ चुका था कि यहाँ पर बंदे हैं, पहले अराउंड थे। तो यहाँ से गाइस मैं यहाँ पर आता हूँ और इतने में गाइस मेरी गाड़ी पलट जाती है। तो यहाँ पर गाइस एक ऑलरेडी डुओ था, तो इसे हम कैसे मारेंगे अभी आप देखना। अब गाइस ये वाला डुओ गाइस अगर आपको मेरा क्लच अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इन दोनों को मारने को गाइस हमारे को छोड़कर लास्ट यहाँ पर तीन बंदे बचे थे, जो एक डुओ हमारे लेफ्ट में था और एक डुओ एक सोलो बंदा था वो हमारे राइट में था। अब ये गाइस मुझे पहले पता नहीं था, लाइक मुझे डाउट था कि लाइक तीन बंदे कहाँ पर है। मुझे इतना पता था कि लाइक एक डुओ हो और एक सोलो है, बट वो डुओ राइट में या लेफ्ट में मुझे आइडिया था नहीं। इतना में गाइस राइट में स्मोक होता है और मुझे तब मुझे आइडिया आ रहा था कि लाइक जो डुओ है वो राइट में, फिलहाल के लिए मैं ये समझ के चल रहा था। बट एक्चुअल में जो डुओ है गाइस वो लेफ्ट में कंपाउंड में होता है, जो आपको भी थोड़ा टाइम बाद दिख जाएगा, और उन्हें हम मार देंगे। अब गाइस यहाँ पर हमारे पास बचे थे 25 सेकंड, और इन्होंने गाइस स्मोक करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे वहां सामने कंपाउंड पे एक बंदा स्पॉट भी हो चुका था। तो यहाँ मैंने टीममेट को कॉल देता हूँ कि मैं यहाँ पर ध्यान देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, और आप राइट साइड में ऊपर रेज पे ध्यान देना अगर आपको फुट का साउंड आए, वरना बंदा हमें थर्ड पार्टी कर देगा। कितने में सामने से एक बंदा ओपन में आता है तो उसे मैं एकदम इजीली नॉक कर दूंगा, और जो इसका पार्टनर है गाइस वो भी फिलहाल के लिए ओपन में आने वाला है तो उसे भी हम एकदम इजीली मार देंगे। अब इन दोनों को मारने के बाद गाइस हम जो सोलो बंदा है हमारे राइट में था, तो उसे भी आप देखना हम कैसे मारेंगे। और गाइस इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते गए अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय। ओके क्या होता है, ओके मार दो फिर। ओके बाट नहीं था, मुझे नहीं पता। हाँ तो आप तुम्हें खेल